भोपाल की यहां सरकारी राशन की दुकानों में अब सुपर बाजार खोले जाएंगे। उचित मूल्य की दुकानों पर हर सामान मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में कम दाम पर यह सामान दिया जाएगा। सहकारिता विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बहुउद्देशीय दुकानों में तब्दील होंगी उचित मूल्य की राशन दुकानें और इन राशन दुकानों पर सहकारिता विभाग अपनी सामग्रियां उपलब्ध करवाएगा। सामग्री की आपूर्ति के लिए टेंडर निकाला जाएगा। मुनाफे में से 0.25% कमीशन सहकारी समिति को दिया जाएगा। प्रदेश में 4548 सहकारी समितियां हैं और ऐसे में 24,000 PDA दुकानें संचालित होती हैं। 4 करोड़ की से अधिक के उपभोक्ता PDA राशन दुकानों से राशन लेते हैं। मुनाफे में से 0.25% कमीशन सहकारी समितियों को मिलेगा। बता दें, मध्य प्रदेश में 4548 सहकारी समितियां हैं, तो 24,000 दुकानें जो है वो फिलहाल चलती हैं और ऐसे में सहकारिता विभाग अब सामग्री उपलब्ध कराएगा। सुपर बाजार जो है उसमें तब्दील हो जाएंगी राशन की दुकानें। सहकारी समिति की दुकानों को सुपर बाजार में तब्दील करने का सहकारिता विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। मध्य प्रदेश में अब सहकारिता विभाग के द्वारा राशन की दुकानों से सुपर बाजार के रूप में वहां से सामान उपलब्ध हो सकेगा। एक्चुअली जो हमारे राशन की दुकानें हैं, ऐसे बहुउद्देशी केंद्र करके स्थापना होते हुए, तो अभी तक तो हम PDS के बांटते थे सामान। इसके अलावा भी जो है ना, जो लोगों को घरेलू उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, अब छोटे से गांव से लेकर मोटरसाइकिल से, मतलब ट्रैवल्स के गांव हैं ये सब हैं, छोटे से गांव से लेकर मोटरसाइकिल तक दूर तक पेट्रोल डीजल खर्च करता हुआ, इसके कारण क्या हुआ, हमने तय किया कि उसको जीवन उपयोगी जो भी वस्तु हैं, जो राशन के सामान के अलावा भी है, साबुन तेल से लेके अन्य बिस्किट से लेके जो जो प्रकार के हो सकते हैं, ऐसे कई प्रकार का सामान उन दुकानों पर बेचेंगे। और रुकेंगे सभी राकेश चतुर्वेदी का। राकेश, चूंकि अब मध्य प्रदेश में सरकारी राशन की दुकानों को सुपर बाजार में तब्दील करने की पहल सरकार लेकर आई है, सहकारिता विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, क्या कुछ फायदा जनता को इसका मिल सकेगा? क्या वाकई में ये पहल जो है कारगर साबित हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल, जो सहकारिता विभाग ने ड्राफ्ट तैयार किया है, उस ड्राफ्ट की बात करें तो उसमें जो PDS की दुकान है, मध्य प्रदेश में करीब 24,000 PDS की दुकान है और यहाँ से गरीबों को अभी गेहूं, चावल, नमक, ये जो सामग्री है वो मिलती है। जो सहकारिता विभाग का ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट इस तरह का है कि इन्हीं दुकानों से जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है उसका सामान भी यहाँ पर मिलेगा, यानी साबुन से लेकर आटा तक ये जो तमाम सामग्री है इन्हीं दुकानों से मिलेगी। सरकार का ये दावा है, सहकारिता विभाग का दावा है, ये जो सामग्री रहेगी ये बाजार से कम दाम पर रहेगी। जिस तरह से जो सुपर बाजार में दाम कम होते हैं, जो बड़े मॉल भी खोल दिए गए हैं राशन की दुकानों के, वहाँ पर दाम कम होते हैं, इसी तरह इन दुकानों से सामान जब खरीदी होगी तो वो बाजार से कम दाम पर रहेगा। देखिए, हम व्यवहारिक रूप से बात करें तो एक बात जरूर है, गांव में स्थिति जरूर है इस तरह की है कि गांव के जो लोग हैं पूरी तरह से जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है उसके लिए डिपेंड जो रहते हैं वो बाज़ारों पर डिपेंड रहते हैं। हाट बाज़ार जो ग्रामीण इलाकों की सीमा के आसपास लगते हैं उन पर डिपेंडेंसी रहती है और गांव की छोटी दुकानें, और वहां पर जो गांव की छोटी दुकान है वहां पर थोड़ा सा महंगा मिलता है क्योंकि बाजार से खरीद कर ही वो लोग अपने गाँव में सामान लाते हैं। राकेश, क्या श्रेणियाँ भी तय करने की कोशिश करेंगे? किन APL लोगों को क्या दिया जाएगा, BPL लोगों को क्या दिया जाएगा, क्या इसमें भी कुछ अंतर विभाजित करने की कोशिश सरकार करेगी इस योजना के तहत? देखिए, जाहिर तौर पर है ये सहकारिता विभाग का ड्राफ्ट है और गांव की जनता को सहायता पहुंचाने के तहत ड्राफ्ट है, लेकिन फिलहाल जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें सिर्फ अभी इतनी ही बात है कि राशन की दुकानों से, PDS की दुकानों से दूसरी खाद्य सामग्री भी और ज़रूरत के सामान की सामग्री भी वितरित की जाएगी। लेकिन क्या BPL कार्डधारियों को, गरीबों को कुछ अतिरिक्त या फिर कम दाम में, और अधिक कम दाम में ये सामान उपलब्ध कराया जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, इस पूरी योजना को लेकर कांग्रेस ने जरूर कटाक्ष किया है। कांग्रेस का कटाक्ष है कि इसके जो सामग्री के लिए टेंडर होंगे स्टेट लेवल पर होंगे, उसमें गड़बड़ी हो सकती है, ये जो है आशंका जाहिर की है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश। तो यानी अब राशन दुकानों से सुपरमार्केट जो है वो बनता नजर आएगा। बहुत शुक्रिया राकेश खबर को विस्तार से बताने के लिए।